नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हुसैन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भी बीजेपी नेताओं का जुबानी वार कम नहीं हो रहा। मंगलवार को देवबंद पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दारुल उलूम को आतंक की गंगोत्री कहा। इसके साथ ही मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश का इशारा भी किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि वो गजवाए हिंद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। गजवाए हिंद को भारत में लाकर मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैंने एक बार कहा था कि ये देवबंद आतंकवाद की गंगोत्री है। सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवादी हो, चाहे हाफिज सईद का मामला हो या ये सारे के सारे यहीं से निकलते हैं, उनका ये मकसद कामयाब नहीं होने देंगे। देश में खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं, शाहीन बाग में शर्जिल इमाम जैसा पढ़ा लिखा शख्स कह रहा कि हम भारत से असम को काट देंगे, फिर हम इनको मजबूर करेंगे और इस्लाम स्टेट बनाएंगे। अब सवाल यह है कि गिरिराज को देवबंद से आखिर कैसी रिपोर्ट या फिर सर्वे मिला है जो उन्हें यह कहने को मजबूर कर रहा है। देवबंद से कई बार कनेक्शन सामने आए हैं, पर क्या देवबंद में आतंकी ही तैयार होते हैं? क्या सच में देवबंद में आतंकी गंगोत्री है? देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री है। सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज सईद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। ये सीएए के विरोध में नहीं है, ये भारत के विरोध में है। ये एक तरह से खिलाफत आंदोलन है, क्योंकि अगर केवल सीए का होता तो शाहीन बाग से आवाज नहीं उठती शर्जिल इमाम का कि हम भारत को आसाम से काट देंगे। तो जिस खिलाफत आंदोलन की बात गिरिराज कर रहे हैं, दरअसल एक वक्त में वो देश की राजनीति में एक नजीर था जब कांग्रेस और जमीयत उलेमाए हिंद साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। लेकिन बदली राजनीति में, बदले परिवेश में अब देवबंद की एक नई पहचान गढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये पहचान क्या वास्तव में गढ़ी जा रही है या फिर देवबंद में कुछ ऐसे तत्व भी शामिल हो गए हैं जो कहीं ना कहीं उसकी पहचान को प्रभावित कर रहे हैं? एजेंसियों को कई बार इनपुट्स मिले हैं, कई बार तार भी सामने आए, पर क्या इसका मतलब यही है कि वो देवबंद जो एक समय सुधारवादी आंदोलन, इस्लाम में सुधारवादी सोच का जो जनक था, वो अब यहां पर किसी बुरी चीजों में इन्वॉल्व हो चुका है? क्या वो राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है? सीए का जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या उसमें देवबंद की भी अब एंट्री हो गई है? इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कमर अली जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, शिशिर चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, और हाजी हसन अहमद साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ भास्कर दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। शुरुआत करेंगे और कमर अली जी आपके पास ही आएंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब गिरिराज के निशाने पर देवबंद रहा है। कभी विहिप कहती है कि वहां पर तलाशी ली जानी चाहिए, कोई कहता है देवबंद का नाम बदल देना चाहिए, और अब तो कह रहे हैं कि वहां पर आतंकवाद की गंगोत्री बहती है। देखिए, एक बात बता देना बहुत जरूरी है, देवबंद एक कस्बा है, जैसे मलिहाबाद जैसे तहसील होती है ना, तहसील है देवबंद, एक तहसील है। जैसे मलिहाबाद हमारे यहाँ है, मोहनलालगंज है, ठीक, वो एक देखिए आप रेलवे स्टेशन है। देवबंद एक तहसील है, देवबंद में पूरा एक तहसील आता है। अब उन्होंने क्या सोच के कहा तहसील, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र होता है। पहली बार नहीं कहा। नहीं, बात तो सुनिए, हमारे यहाँ कार्रवाई भी हुई, अगर उस बात पे अभी आप आ जाएंगे तो मैं अभी दो दिन पहले आपने बुरखे का देखा जो बयान दिया था, फौरन माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तत्काल उनको नोटिस दिया और उन्होंने लिखा कि उस नोटिस के अंदर आप क्यों ना भाजपा से आपको निकाल दिया जाए। ये देखिए नजीर है, अगर आप देखेंगे नजीर पेश करी, कोई पीड़ा है गिरिराज को देवबंद को लेकर? मेरी पूरी बात हो जाए, क्योंकि आपने सवाल मुझसे किया तो जवाब मैं ही दूंगा। फिर दो उनका जवाब मांगा गया है, जवाब से अगर संतुष्ट होंगे ठीक है, वरना उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट नीति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेंट्रल हाउस से खड़े होकर कहा था
के अल्पसंख्यकों को शिक्षा से दूर रखा गया, इस बात पे गौर करना पड़े, उन्हें वोट बैंक समझा गया मुसलमानों को, वो शब्द जोड़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने ये देखा लगातार कोई भी ऐसी चीज सामने आई, जैसे आपने देखा सुल्तानपुर पे अल्पसंख्यकों को लेके मुसलमानों खासकर कहा गया कि वोट नहीं दिया जाता है, तो उस तरह से जो बयान आया आपने देखा भले, लेकिन उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। अगर आप ये भी एक नजीर देखेंगे हमारी यहाँ पार्टी की, ये भी नजीर पेश हुई है। दूसरे मसले पे अगर आप आ जाएं, ये देखें कि कुछ बोला गया तो रक्षा कमेटी से भी हटाया गया हमारे यहाँ, जो आपने देखा भारत सरकार की, हमारे यहाँ बराबर कार्रवाई होती है क्योंकि पार्टी जो है छोटे से लेके बड़े बयान को संज्ञान में लेती है और उस पर कार्रवाई करती है। मैंने आपसे एक बात ये कही, वो एक तहसील है, वो तहसील है, तहसील के बारे में क्या कहा है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन हमारी तहसील बदली है, आप क्या समझते हैं इससे कोई तहसील बदली है देवबंद की? इस तरह के कनेक्शन सामने आने के बाद आपको लग रहा है कि वहां से कोई साजिश रची जा रही है? देवबंद मैंने आपसे कहा कहीं कुछ हुआ, एक दोबारा ऐसी चीजें जानकारी में आई है, सरकार के संज्ञान में, सरकार ने तत्काल उसको गिरफ्तारी करी है, और कोई भी हो और कोई भी आतंकवाद हो, मैं आपको भाई आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद का नाम रखा, पहले उसने इस्लाम आतंकवाद कहा, फिर उसके बाद जो सिख आतंकवाद कहा 84 के बाद, आपने देखा जो 84 में गुजरा, उसके बाद आपने जो देखा हिंदू से जोड़ा आतंकवाद को जोड़ा, तो ये मजहब को और किसी आतंकवाद से जोड़ना ये कांग्रेस का चलन रहा है। हमने आज तक किसी भी कांग्रेस में छोड़े वो नहीं, भाई देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, हमने कहा पार्टी, क्योंकि उन्होंने सैजील के बारे में कहा, बिल्कुल सही कहा, ठीक है, सीए के बारे में जो लोग कर रहे हैं उनको, क्योंकि कांग्रेस ने उनको 36% एजुकेशन से 6% एजुकेशन मुसलमानों को लिया है, ठीक, इसीलिए लिया है कि मुसलमानों को गुमराह कर सके, ना पढ़ा होगा ना ज्ञान होगा ना उसके पास जानकारी होगी। सीए के ऊपर आपने देखा कि ना सोनिया जी निकली, ना प्रियंका जी निकली, ना मायावती जी, चाहे अखिलेश जी हो, उन्होंने ये नहीं समझाया, उन्होंने ये नहीं समझाया कि सीए जो कानून है वो नागरिकता देने का है ना कि लेने का है। तो ये मुसलमानों के लिए वोट बैंक भी समझा और मुसलमानों को इन्होंने आज वोट दिया। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप देवबंद को देखे होंगे, वहां की प्रक्रिया को आप समझते होंगे, वहां की शिक्षा प्रणाली को आप समझते होंगे, जिस तरह की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, गिरिराज सिंह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार देवबंद पर वो सवाल खड़े कर चुके हैं। वो देवबंद जिसकी एक पहचान थी सुधारवादी आंदोलन की, जहां से निकले हुए छात्र पूरी दुनिया में इस्लाम के संदेश को लेकर गए, वहां से आतंकी कनेक्शन, वहां से हाफिज सईद का कनेक्शन, इस तरह की बातें हो रही। देखिए अभी अभी भाजपा नेता कह रहे थे कि हमारे यहां कार्रवाई होगी, तो देखना होगा, आशा करेंगे कि गिरिराज सिंह पे जो भविष्य में बहुत से आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं, आज तो ये हर आस्था हिंदू मुस्लिम मतलब हिंदुस्तान के भारत के भाईचारे को खंडित करने का काम किया, इन्हें गंगोत्री वर्ड क्यों यूज किया? क्या गंगोत्री जो पवित्र धाम है उसका नाम आतंकवाद से क्यों जोड़ा? ये क्या साबित करना चाह रहे थे? ये भूल गए कि देवबंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कर्मभूमि रही है। ये तो इनका दोनों ही कड़ी में बहुत ही आपत्तिजनक है, इतना शर्मनाक बयान है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम होगा और शर्म आनी चाहिए। देवबंद कर क्या रहा है वास्तव में? देवबंद कर क्या रहा है कि गिरिराज सिंह को यह कहना पड़ रहा है? फतवे जारी कर रहा है, मिनिस्टर है, हॉस्टल से छात्र निकल रहे हैं जिनके बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, न जाने कहां कहां से आतंकी कनेक्शन सामने आए। बंगाल में अगर कोई आतंकवादी घटना होती है देवबंद से कनेक्शन जुड़ जाता है, कश्मीर में कोई घटना होती है देवबंद से कनेक्शन जुड़ जाता है, ये कहां से इनपुट्स मिल रही है? कनेक्शन जुड़ना और बात होती है और अपराध साबित होना और बात होती है। जब कैबिनेट स्तर का मंत्री इस तरह की घटिया बातें करेगा, निहायत शर्मनाक बातें करेगा, तो फिर कोई भी किसी को कहीं भी जोड़ सकता है। अभी अभी देखा होगा साजिश रची जा रही है देवबंद से, पिछली सरकार में आपने देखा होगा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को गृह मंत्रालय ने उनके पर क्या क्या इल्जाम लगाए थे, जेल गई रही और आज संसद में है। तो इल्जाम लगा देना, अरेस्ट कर लेना दूसरी बात होती है। देवबंद में हो क्या रहा है फिर? देवबंद में क्या हो रहा है? बताए क्या हो रहा है? कौन सी इनपुट उनके पास आई है? आखिर समाज में जहर क्यों घोल रहे हैं वो? और ये भाजपा बताए कि ऐसी कौन सी इनपुट उनके पास है कि देवबंद में ये हो रहा है, जिसको वो सभाओं में कह रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? सुशील चतुर्वेदी जी, कौन सा इनपुट्स मिला है? तमाम देश में एजेंसियां हैं जो यही काम करती हैं कि कहां पे कौन सी गतिविधियां चल रही, वो कुछ एक्शन नहीं ले रही, वो कुछ नहीं कर रही। गिरिराज जी ने संभाल लिया क्या कोई जिम्मेदारी खुफिया विभागों की निगरानी करने की, कोई बयान जारी करने की? एक बार नहीं, बार बार, हर बार और इसी तरह के बयान क्यों? देवबंद आतंक की पौधशाला है
और लगातार वहां से आतंकी कनेक्शन पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने जो कहा है उसका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अब 22 फरवरी आपके पास कौन से इनपुट है? 22 फरवरी 2019 को वहां पर दो आतंकवादी पकड़े जाते, बाकी दीवार बांध बांध के भाग जाते। अपराधी नहीं है तो भागते क्यों वहां से? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे घर पुलिस आएगी तो छापा पड़वा दीजिए। सरकार किसकी है? भागे सरकार किसकी? भागे क्यों? सरकार किसकी है? खुफिया एजेंसी किसके पास है? कि छात्र करवाइए कार्रवाई, पुलिस खड़ी तमाशा देखती है। एक तरफ हॉस्टल में घुस के मारती है। जब मैं बोल लूं, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बुझा, मुझे पूरी बात करने दीजिए। ये वही देवबंद है जहां से कमलेश तिवारी को फांसी दो की आवाज उठी थी। ये वही ये अभी भाजपा के प्रवक्ता बहुत सारे फतवे जारी हुए कमर अली जी ने कहा, एकदम गलत बात कही कि कमर अली जी ने कहा कि 36% से 6% पढ़े लिखे लोग जो हो गए उस वजह से आतंकवादी बन रहे हैं। वापस कर ले रहा है, वहां से शिक्षा की कमी से सब हो रहा है, इनका कहना ही है। लेकिन बोलेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। क्यों नहीं बोलने देंगे? इन्होंने जो कहा 6% गिरिराज जी ने सही कहा। मेरी बात पूरी होनी चाहिए जी, सबको सुनने दीजिए। उदो मेरा ये कहना है, डॉक्टर पकड़ा जाता है, इंजीनियर पकड़ा जाता है, है जितने पढ़े लिखे लोग हैं वही बड़े बड़े आतंकवादी, अफजल गुरु से लेके जितने नाम है। क्या ये शिक्षा की कमी की कारण है? ऐसा नहीं है, ये सब ब्रेन वॉशिंग है, ये गजवाए देवबंद का इस्तेमाल कहां से आ गया? गजवाए हिंदी चल रही है तो उसमें देवबंद का क्या कनेक्शन है? देवबंद बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी आतंकी पौधशाला है, लगातार से वहां से आतंकी पर। ये गिरिराज किशोर सिंह का हम लोग स्वागत इसलिए करते हैं कि सच बोलने का भूत है उस आदमी के अंदर। हम लोग को कौन सी इनपुट की रिपोर्ट आ गई थी उनके पास? कौन सी इनपुट की रिपोर्ट आ गई थी? सरकार में बैठे हुए सारी क्लियर तो उन्हीं के अंदर में होती, केंद्र सरकार की। तो क्यों नहीं वहां पे तलाशी करवाई? कितनी कार्रवाई की आपने? पहला प्रश्न का जवाब दे, ये कमर अली जी और आप मौलाना साहब दोनों जने के वहां से भागे क्यों? ये इनकी बात यहाँ तक सही है के बड़ा शर्मनाक, गंगोत्री जैसे पवित्र धाम को आतंकवाद बात मत घुमाइए। जिसके विचार स्वागत कर रहे शर्मानी चाहिए इस बातों पे। गंगोत्री से मत जोड़िए, उन्हें जोड़ा, गिरिराज सिंह ने जोड़ा अपने, इसके लिए आप भी लोगों दोनों लोगों को माफी मांगनी चाहिए। सारे आतंकवादी वहां से निकल, जो आप हिंदुत्व का ठेका उठा लिए चलते थे, आज आपने सबको, अरे साहब आप कह रहे हैं सारे आतंकवादी वहां से निकलते हैं, इतनी जानकारी है सारे आतंकवादी वहां पे, वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए। आप कहां जा रहे हैं ऊपर पाकिस्तान में हमला करने? देश का सभी मुसलमान सारे आतंकी वहां से निकलते तो वहां सर्जिकल स्ट्राइक करिए, वहां एयर स्ट्राइक कर दीजिए। आप सरकार तो आपकी है यहां पर। अरे जो अभी देवेंद्र पकड़ा गया है वो क्या है? जो सारे हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी आप लेके सबकी ठेकेदारी आपने ले रखी है की बहुत साला है, ये कई बार सिद्ध हो चुका है। ठीक है, सिद्ध हुआ। ठीक है, आज ही आदि साहब क्या कर रहे हैं? ठीक है, ठीक हो गया। भास्कर दुबे रख दिया, भास्कर दुबे जी अभी तक देवबंद की पहचान फतवों को लेकर थी। अभी तक देवबंद की पहचान ये थी कि वहां पर इस्लामी शिक्षा दी जाती है, जो आधुनिक शिक्षा है, जो सुधारवादी शिक्षा है इस्लाम की, उसका प्रचार प्रसार वहां से किया जाता है। ये आतंकी तार वहां से सिलसिलेवार तरीके से जुड़ने लगे और फिर राजनीति में भी देवबंद की एंट्री हो गई, जिसमें एक उसका स्टैंड क्लियर करके इस्तेमाल होने लगा। गिरिराज दूसरी बार ऐसा बोल रहे, उनके बयान के पीछे की मंशा किस तरह की है और आपको लग रहा है वास्तव में देवबंद से जिस तरह का उन्होंने कनेक्शन बताया उस तरह की दिक्कतें हैं देवबंद में? अब शैलेंद्र, आज बेरोजगारी की वजह से, मैं एक पत्रकार की वजह से कह रहा हूँ, इसको आप लोग किसी पार्टी से ना जोड़िएगा, आज बेरोजगारी की देन है कि चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हर जगह नवयुवक गुमराह हो रहे हैं। रही बात गिरिराज सिंह के बयान की, तो यह बेहद चिंतनीय बात है कि केंद्र सरकार का एक मंत्री इस तरह का बयान दे, जबकि वो शपथ लेते समय इस बात की शपथ भारत के संविधान के अंतर्गत शपथ लेता है। भारत के संविधान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई
नाम की चीज की कोई जगह नहीं है। भारत के संविधान में भारत का मंत्री हिंदू का भी मंत्री है, मुसलमान का भी मंत्री है, सिख का भी मंत्री है, ईसाई का भी मंत्री है। हाँ, कुछ घटनाएं हुई होंगी जहां देवबंद से शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग इन चीजों में पाए गए होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आतंकी फैक्ट्री है वो। हाँ, इसका ये मतलब नहीं पूरी 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 के पूरी कौम को आप गजवाए हिंद बनाने की साजिश वहां से रची जा रही है। नहीं कह रहे, अरे हम लोग कौम को नहीं कह रहे। आप मेरी बात सुनिए भाई साहब, मामला कुल मिला के ये है कि क्या आजादी की लड़ाई में मुसलमान नहीं लड़ा है, हिंदू नहीं लड़ा है, उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया पाकिस्तान के रूप में। देश का 23% भूभाग विदेशी से हो गया भाई, भारत के नाम पे देश बताता है। आप इस चीज को, इन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया तो अपना हिस्सा लेके भागे वहां से। आप एक चीज ये बताइए कि आप हिंदू महासभा के प्रतिनिधि हैं, हिंदू महासभा सरकार में है क्या? आपके बयान को क्यों इतनी गंभीरता से लिया जाए? हम तो केवल गिरिराज सिंह के बयान की निंदा कर, हम भी निंदा कर रहे हैं इस बात की। देश के नागरिक से बात रख रहे हैं, देश ही देश में भाई तो ये बताइए, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने आतंकियों को छोड़ने की बात की थी, धर्म कहां गया था? उन्होंने भी संविधान नहीं, ठीक है साहब सुशील जी, अगर आपकी इतनी चिंता है, गिरिराज जी को इतनी चिंता है, उनको मालूम है कि गजवाए हिंद बनाने की साजिश रची जा रही है, तो सरकार में बैठकर बात करें, अपने इनपुट्स जो उन्होंने सर्वे कराए हैं, जो एजेंसियों के पास नहीं है उनके पास, वो सरकार तक पहुंचाए, कार्रवाई करवाई, एयर स्ट्राइक करवाई, आप सर्जिकल स्ट्राइक करवा दीजिए, आप लोगों को पता चला। समाज में बांटने वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं? समाज में बांटने वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर आपको इस तरह के इनपुट से इतनी चिंता है, इतनी गंभीरता है आपको राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, तो आप सरकार से बात करिए। आप केंद्रीय मंत्री हैं, कोई सांसद विधायक थोड़े हैं। शैलेंद्र, मेरा गिरीश जी से एक प्रश्न है, गिरीश जी से बताइए कि आज अगर हिंदू महासभा की सरकार होती है तो आपके अंदर क्या इतनी कुवत है कि आप मुसलमान को इस देश के बाहर कर देंगे? मैंने ये बात नहीं, कोई भी क्यों बाहर करेगा? क्यों बाहर करेगा कोई? कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरीके के काम करते हैं, और यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं वो उनपे कार्रवाई से भगा। चलिए कमर अली जी, कमर अली जी, कमर अली जी, ठीक है कमर अली जी, जवाब देने दीजिए कमर अली जी को, जवाब मौन समर्थक है वो सब, कमर अली जी को दीजिए। बहुत आराम से सुने और आराम से बात करें, हाथ में चलाने कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप खड़े में नहीं गए हैं, अपनी अपनी बात को रखने आए हैं और अपनी अपनी बात को आएंगे। हाजी संसद आपके पास मजबूती से रखिए, कौड़ो लोग आपको देख रहे हैं, सुनना चाहते हैं, इस तरह से हाथ पैर न चलाएं, मुझे लगता मुनासिब नहीं है। देखिए, देवबंद की सीट आज की तारीख भारतीय जनता पार्टी में, ये भी ऐतिहासिक हुआ, हम आपको बता दें, वो सीट कभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रही है, आज भारतीय जनता पार्टी के पास वो सीट है। हम आपको बता दें, पिछले साल की जो वारदात हुई थी, वो दो लड़के वहां रह रहे थे कमरा लेके, और जो दारू रूम के लड़के थे उन्होंने ही उनको पकड़वाया था, पुलिस को इनपुट दिया था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, उनकी सराहना करी गई थी। और आपको बता दें, मदनी जी मोहन भागवत जी से खुद मिलने गए थे, ये बता देना बहुत जरूरी, दो बार मिलने गए, इलेक्शन से पहले मिलने गए, उसके बाद भी मिलने गए। अगर दारू रूम की आप बात करें, हमारी सरकार, क्योंकि ना हिंदू ना मुसलमान, सिख ना ईसाई, हमारी सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कार्रवाई करी, राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी यहाँ कार्रवाई हुई है। आप शब्दों पे नियंत्रण रखें, उसके बाद जो बोलें, क्योंकि करोड़ों लोग आपको देखते हैं और आपके एक आप पार्टी की गरिमा होती है, क्योंकि हमने सबका विश्वास जीता है, चाहे देवबंद की सीट हो, चाहे 303 सीटें हमारे पास हुई, इस बात को आप समझिएगा, सबका विश्वास ना होता इतने बड़े पूर्व मोहम्मद में हम नहीं आते, कुछ परसेंटेज हर बार हमारा बड़ा है, मुसलमानों और अल्पसंख्यकों ने हमें वोट दिए। मैंने बात यह कही थी कि मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए जिस सीएए को हुआ, पहले उन्होंने सबसे पहला काम किया कि लोकसभा में, राज्यसभा में सीएए कानून पास हुआ, सारे धर्म सारी जाति धर्म के सांसद भी थे, राज्यसभा मेंबर भी थे, खामोशी के साथ कांग्रेस ने, सारी पार्टियों ने हमारा समर्थन किया, पास हो गया। फिर उसके बाद एक हफ्ते के बाद आप ये बताइए, उसको जामिया से भड़काया गया, फिर उसके एमयू भड़काया गया, फिर नदवा में देखिए आ गई, लेकिन उनके उस्तादों ने, उनके टीचरों ने उस बात को लेके मामले को खत्म कराया, अगर आप ये बात देखेंगे। फिर उसके बाद जो भावनाएं भड़काई गई, वो 18 दिसंबर को सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने कलेक्ट्रेट में यहाँ पे धरने प्रदर्शन का आयोजन किया, धरने प्रदर्शन फेल हो गया। मेरी बात सुनिए, वो फेल हुआ, अभी क्या हो गया था देवबंद से, जो गिरिराज को ऐसा बोलना पड़ा? मैंने आपको एक बात कही, मेरी बात पूरी हो गई, सब लोग बोलिएगा, नहीं नहीं सब लोग अभी ऐसी कौन सी आप लोग बोलिए, हाथ पर चलाने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से बात करिए। देवबंद, मैंने आपसे कहा, देवबंद एक स्टेशन है, देवबंद एक कस्बा, वो तहसील है, हमारी बात को आप समझिएगा, बिल्कुल उस मोहल्ले, उस तहसील से दो आतंकवादी पकड़े गए, इसमें कोई, और उसको दारू रूम के लड़कों ने पकड़वाया है, क्योंकि उनको एडमिशन नहीं मिला था, कमरा लेके रह रहे थे, इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि उन्हें पूछा उनका दारू रूम में पढ़ते, उसकी तो जानकारी हुई। देखिए, सबकी आईडी जमा होती है, सारे मामलात होते हैं, अब उस अगर उस तहसील से पकड़ लिया जाए, अगर मदरसे से आप जो है, मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी
तो हमारा सवाल भी यही है ना, हमारा सवाल भी यही कि जो बात आप समझ रहे हैं, जो बात पार्टी समझ रही है, जो पार्टी की मंशा है कि सबका विश्वास हो, आपको मालूम है कि देवबंद से इस्लाम का किस तरह का नाता रहा है, किस तरह की उनका जुड़ाव रहा है, आप जब सवाल उठाते हैं, बार बार सवाल उठाते हैं, इस तरह के कनेक्शन कहते हैं, तो विश्वास प्रभावित होता है। हमारी पार्टी ने हमेशा कोई भी चीज हो बहुत संयम के साथ बात करी है, हमारी पार्टी ने, क्योंकि सबका विश्वास नहीं, संयम के साथ साक्षी महाराज ने कभी नहीं की, हमारी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, हमारी सबका विश्वास किसी हिंदू मुसलमान के व्यक्तिगत कहने से देखिए हमारी पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ता, इस बात को आप समझिए, हमें व्यक्तिगत 1-2% लोग अगर कहेंगे भारतीय जनता पार्टी वो, मेरी बात पूरी हो जाए, सबका विश्वास हमें मिला है, सारे जाति धर्म का विश्वास मिला है, और हमारी जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षा देना, उनको सुरक्षा देना भाई। आज हमें 40% वोट मिला है, 100% मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को 100% मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा, सबका विश्वास, सब बिल्कुल मिलेगा। नहीं तो फिर झारखंड और फिर महाराष्ट्र की भी बात करनी पड़ेगी, रहने वो मुद्दा नहीं, बिल्कुल आराम से। हाजी हसन, हाजी हसन साहब बताइए। देखिए कमर अली साहब जो कह रहे हैं तो यही पे फर्क आ जाता है कि इनकी इनकी नहीं, इनकी पार्टी की जिसके नेता हैं उसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। कैबिनेट मंत्री एक बार नहीं, अनेकों बार विवाद विवाद और ज्यादा विवाद, और कहीं से वो विवादित बयान सच नहीं साबित होते हैं, झूठ झूठ फिर एक नया झूठ। देवबंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कर्म भूमि रही है, सहारनपुर से कितने आंदोलन चले, अगर गिरिराज सिंह वहां गए थे तो पहले उनका जिक्र कर लेते, गंगोत्री से उसका मिलान, गंगोत्री से आपत्ति क्यों है आपको? देवबंद पौधशाला है कि नहीं, उस पे बात करिए। पौधशाला नहीं, उनके उनके अल्फाज देखिए, उनको पौधशाला कह सकते थे, वो कह रहे आप इस साइड भी यहां से निकले, बड़े बड़े आतंकी निकले, आतंकवाद की गंगोत्री है, ये मानसिकता उनकी दिखा रही है। गजवाए हिंद वाली क्या बात है, गजवाए हिंद वाली क्या बात? ये तो शायद उनका अपना कॉन्सेप्ट है जो किसी को नहीं पता, किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को नहीं पता, उन्हीं को पता है कि गजवाए हिंद क्या है और कहां से शुरू होगा, ये उनको ही पता है। कमर अली साहब से कोई सवाल है क्या उनको? अरे वो सपने में हो सकता है मिली हो, सपने बिल्कुल सपने में मिली होगी। कमर अली साहब से मेरा एक वो है कि क्या वो सिफारिश करेंगे कि कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह के ऊपर इस आपत्ति जनक बयान के ऊपर कार्रवाई हो, इनकी कतली होनी चाहिए, किस तरह की मंशा है? शंकराचार्य कभी कुछ और कहेंगे बढ़ के, ये अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, इसके लिए इनको माफी मांगी। हिंदू राष्ट्र संदेह में है क्यों? देवबंद बाबा संदेह में है क्यों? फिर क्या दिक्कत? आपका सपना है, फिर सपना नहीं है, हकीकत बनेगी, कहिए इनसे देवबंद बाबा संदेह के दायरे में क्यों आ रहा है? ठीक है, भास्कर दुबे जी को बोलने दीजिए, भास्कर दुबे जी को बोलने दीजिए। हमें ऐसा लगता है कि अब राजनैतिक दल विचारधाराओं और संप्रदायवाद की लड़ाई पे उतर रहे हैं। देवबंद पूरी तहसील, पूरा वो इलाका देवबंद का बहुत बड़ा है, दारुल उलूम दारुल उलूम बहुत छोटी सी जगह में है, और अभी तक जो पकड़े जाने की घटना आ रही है ये देवबंद तहसील का विभिन्न मोहल्लों से आ रही है। मेरे ख्याल से मेरी जानकारी में तो पनाह दी जा रही वहां पर, ऐसे लोगों को कोई पनाह दी जा रही है, करने की कोशिश की जा रही है। तो शैलेंद्र जी और दारुल उलूम इदारा थोड़ी है पनाह दे रहा है। भास्कर भाई एक सवाल करूंगा, एक बात कहूंगा, एक आपकी बात पे जोड़ूंगा। 22 फरवरी 2019 को वहां पर आतंकी पकड़े जाते हैं, ठीक है, संदिग्ध आतंक, एक
और वो दिन कौन सा था? वो जुम्मे का दिन था, शुक्रवार का। और उससे पहले भी कमलेश तिवारी का जब कांड हुआ, प्रदर्शन हुआ, वो भी जुम्मे का दिन था। एक देवबंद मदरसे के अंदर वहां पर कितने छात्र थे आप वहां पता कर लीजिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हजारों लोग सड़क पे उतरे थे, वो कहां से आए थे? नहीं, 2011 से लेकर मेरी बात सुन लीजिए नागरिक शिशिर जी, जो आप बात कर रहे हैं उसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। 2011 से लेकर 2018 तक 10 ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आई जिसका कहीं ना कहीं देवबंद से कनेक्शन सामने आया। कश्मीर में चाहे आतंकी पकड़े गए, चाहे बिजनौर में पकड़े गए, चाहे बंगाल में पकड़े गए, कनेक्शन सामने आया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पूरा देवबंद आतंकी फैक्ट्री है। हाफिज सईद वहां पे तैयार हो रहे हैं, वहां पे यही तालीम दी जा रही क्या? भास्कर दुबे जी, शैलेंद्र, ये प्रश्न इस बात का नहीं है कि देवबंद से के लोग कुछ घटनाओं में शामिल रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक भारत सरकार का मंत्री अगर ये बयान दे रहा है तो उसे बताना चाहिए कि क्या इनपुट है और उसे तुरंत देवबंद अभी जरूरत थी क्या इस तरह के बयान की? क्या जरूरत पड़ गई थी उनको? जब न्यू इंडिया की बात हो रही है, समावेशी विकास की बात हो रही है, पार्टी करे कौन सी? शैलेंद्र आप ये देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा मुस्लिम नवयुवक एक हाथ में कुरान ले, एक हाथ में लैपटॉप ले, एक हाथ में कंप्यूटर ले। उस ऐसी स्थिति में उन्हीं के सरकार के मंत्री इस तरह के अक्सर बयान देते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। चले इन बयानों पर या तो सरकार प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिमंडल का जवाब दीजिए। एक तरफ विश्वास की दीवार बनाई जा रही है, दूसरी तरफ नफरत वाली दीवार भी खड़ी की जा रही है। कमर अली ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अगर यही बयान अगर मात्र चार दिन पहले आया होता तो यहाँ हाजी हसन साहब जैसे लोग यहाँ कह रहे होते दिल्ली का चुनाव इसलिए जहर बोया जा रहा है। तो ये मतलब जब चुनाव नहीं होगा तब आपको जहर बोलने की आजादी होगी? इस वक्त मतलब जब चुनाव नहीं होगा तो जहर बोलने की आजादी होगी? सत्य बोला, एकदम सत्य बोला कमर अली जो, कोई छोटी बात नहीं है। कमर अली जी बताइए, दोनों चीजें एक साथ क्यों हो रही है? एक तरफ विश्वास के धागे मजबूत किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जहर और नफरत वाली सोच को भी पनपाया जा रहा है। चाहे शिशिर जी हो चाहे हाजी साहब हो, दोनों को संयम रख के बात करना चाहिए। मैंने कहा कि हर आप लोग दोनों लोग जो हैं, एक धर्म के अलग हैं, एक धर्म के आप अलग हैं, आपको लोग देख रहे हैं, संयम करके बात करें और जो मुद्दे हैं उन्हीं की बात करें। मुझे लगता है पूरी मैं दो मिनट के मेरी बात पूरी। अरे आप देखिए, मैं आपके मंत्री के ऊपर है सवाल, आपके बात करोगे, मैंने आपकी बात करूंगा। हाजी साहब, मैंने आपकी बात नहीं करूंगा। शिशिर जी खामोश होकर दो मिनट, आप भी वो अपने केंद्रीय मंत्री को पहले पढ़ा ले, आप भी दो मिनट रहिए। शिशिर जी चुप हो गए, आप भी हाजी साहब आराम से सुनिए बात को, हम लोग आराम से बात करने वाले लोग हैं। देखिए, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, फिर मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार, मानी प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सपना देखा, उसको हकीकत किया, 400 करोड़ रुपए मदरसों के लिए दिए, बहुत बड़ी बात। उनका एक हाथ में कुरान शरीफ हो मुसलमान के और एक हाथ में जो है कंप्यूटर जी उनकी। देखिए, उन्होंने हमेशा सोच को, क्योंकि वो जानते हैं शिक्षा में मुसलमान आजादी के बाद बहुत पिछड़ गया है, उनके सामने डाटा रखा हो तो उसी डाटे को मैंने बात कर, 36% मुसलमान आ गए एजुकेशन में, उनके सामने डाटा है मानी प्रधानमंत्री जी के आगे। हम लोग ऐसे यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू से नहीं होता, बात डाटा बेस पे होती है कि जो एजुकेशन मुसलमानों का जो कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, नहीं जो मुसलमान का इस्तेमाल किया कांग्रेस ने, आज भी जिनको वोट बैंक समझा उनका कल भी इस्तेमाल कर रही थी, आज भी इस्तेमाल कर रही है। भेद खत्म होना चाहिए और देवबंद के जो पहचान है उस पर अगर सवाल है तो उन सवालों का समाधान भी होना चाहिए। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। मेहमानों और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।